आज है आपके पास आते हुए। अन्ना मलई की ओर से ये कहा गया है कि दरअसल यहाँ पर रंग की बात नहीं है, बात उससे कहीं ज्यादा बढ़ी है। वो उसको अफ्रीका से तुलना कर रहे हैं और बता रहे हैं कि नहीं, ये तो बाहर से आए लोग हैं, उनके जैसे ये दिखते हैं, इस वजह से इस तरह की बात है। क्या ये फूट डालो राज करो की स्थिति नहीं पैदा की जा रही है? ये तो पूरी तरह से गलत है ना आशुतोष वर्मा जी। सर बाकी लोगों को भी बोलने देते हैं, सर बाकी लोगों को देते हैं। दक्षिण भारतीयों के पुरखों को अगर हम अफ्रीकी बताएंगे तो इस पर आपत्ति की जाएगी कि अगर इनको घुसपैठिया भी कहा जाए। देखिए चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी मजबूरी है, ठीक है, अगर इनकी मजबूरी ये है, इनकी मजबूरी है कि अगर इनको घुसपैठिया भी कहा जाएगा, इनको गाली भी दी जाएगी। मैं पूछ लूंगी आशुतोष वर्मा जी को, जरा बोला, ये मजबूरी है जफर साहब की आशुतोष, ये दुर्भाग्यपूर्ण है आशुतोष वर्मा जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक एक करके प्लीज, बाकी तीन लोग भी बैठे हुए हैं उनको भी मौका देंगे, बाकी तीन लोग भी बैठे हुए हैं उनको भी मौका देंगे। चित्रा जी देखिए, अब लगभग लगभग इस देश में आधा से ज्यादा चुनाव हो चुका है, और 283 के सीटों के चुनाव के बाद जिस प्रकार से पिछले 3-4 दिनों से सत्ताधारी दल की भाषाओं में परिवर्तन हुआ है, उससे एक बात बहुत साफ साफ हो गई है, कहीं ना कहीं बेचैनी का इस लिमिट क्रॉस करके जा रही है। किस प्रकार से मोदी की गारंटी से चुनाव शुरू हुआ और मंगलसूत्र छीनने पर, पाकिस्तान को लाने पर, बाबरी का ताला लगाने तक, और आज रंगभेद की टिप्पणी लाने तक, जिस प्रकार से चुनावी मुद्दों को डिरेल किया जा रहा है, और वो भी देश के सबसे प्रथम प्रधानमंत्री द्वारा जिस प्रकार से डिरेल किया जा रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबलाहट जो हो रही है वो साफ साफ झलक रही है। अब ये सैम पित्रोदा क्या कह रहे हैं और ये बाबरी मस्जिद के बारे में बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में, अब कोई भी 400 सीट की बात नहीं कर रहा है, अब कोई भी मोदी की गारंटी की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि समझ में आ गया है कि जनता इन सब बातों से, इन बार बार के जुमलों से अब त्रस्त आ गई है। अब बार बार कह रही है कि मोदी जी आपने 10 साल को आपको टाइम दिया, आपने देश के लिए बहुत मेहनत की, 10 साल हो गए हैं, 18 घंटों आपने काम किया, अब आप दूसरों को मौका दीजिए, क्योंकि जनता समझ गई है कि अच्छे दिन अब इससे अच्छे नहीं आ सकते। और मुझे लगता है, एक मिनट, मिलने वाला नहीं है जफर जी आपसे, आपसे उम्मीद नहीं करता हूँ, बीच में उनको बोलने दीजिए, मेरी बात पूरी होने, मेरी बात पूरी होने, बोलिए। रही बात जो आपने सवाल किया कि क्या विघटनकारी से वो है, पहली चीज तो ये है कि सैम पित्रोदा ने जो पूरा पूरा स्टेटमेंट दिया उसको देखना चाहिए। यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करी, मुझे लगता है कि क्या उनका मतलब इन चुनावी मुद्दों से है? अगर उनका कोई भी वक्तव्य चुनावी मुद्दे से नहीं है तो इंडिया गठबंधन उनको बिल्कुल इंडोर्स नहीं कर सकती। और कोई भी व्यक्ति इस देश में अगर वो इस तरीके की बातें करता है, मंगलसूत्र, पाकिस्तान, गोरा काला, इससे किस देश के युवाओं को और 140 करोड़ की जनता को कोई मतलब नहीं है। इस देश की 140 करोड़ की जनता 5 साल इंतजार करती है कि हमारा मौका आएगा और हमारे सुनहरे भविष्य के लिए आप क्या प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं, आप ये बेरोजगारी कैसे खत्म करेंगे, आप किस प्रकार से देश को आगे बढ़ा के लेके जाएंगे, किस प्रकार से महंगाई खत्म करेंगे। कौन था वो जो 83 रुपए के डॉलर पे आज खुश है? कौन है जो 100 रुपए का डीजल लेके खुश है? कौन है जो 1100 की रसोई गैस लेके खुश है? हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ लोग खुश हो, उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन ना आप खुश है ना हम खुश है। हमारे बच्चे, हमारे युवाओं को अपना भविष्य नहीं दिख रहा है। आज IIT IIMs का जो है स्तर पूरे विश्व में रैंकिंग में गायब हो गया है। आज सवाल इस बात का है, तो सैम पित्रोदा हो या कोई भी हो, ऐसी किसी भी चीज का इस चुनाव से कोई मतलब अरे नहीं है। सैम पित्रोदा मतलब ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं आशुतोष वर्मा जी। अब मैं बाकी लोगों के पास जाते हुए, हमारे साथ दो और मेहमान जुड़े हुए हैं, वरुण पुरोहित जी, विशाल मिश्रा जी, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है मैं आ रही हूँ जफर साहब, एक सेकंड पहले मेरा सवाल सुन लीजिए, दो लोगों से टिप्पणी ले लेते हैं उसके बाद। सैम पित्रोदा ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन कभी वो सिख विरोधी दंगों को लेकर कहते हैं हुआ तो हुआ, आप सुनिए एक सेकंड मेरी बात, मिडिल क्लास को कहते हैं कि नहीं टैक्स के मामले में उसको स्वार्थी नहीं होना चाहिए, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर उनके जिस तरह के शब्द हैं वो बेहद परेशान करने वाले हैं इस देश को, जब उसको लेकर हमला वो उस तरह के सवाल उठाते हैं, उनकी लाइनिंग में पढ़ दी थी, उन्होंने कहा है कुछ आतंकवादियों ने हमला किया, इसकी सजा पूरी पाकिस्तान को क्यों दी जाए और वहां पर जाकर हमला क्यों किया जाए, मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा, अरे जाकर आप अयोध्या और बाकी जगहों पर देखिए अयोध्या का क्या हाल हुआ करता था और मौजूदा दौर में वहां पर कितना विकास का काम हुआ है। आप जब विदेश में बैठेंगे,
आप कांग्रेस ओवरसीज के अध्यक्ष हैं और देश को लेकर बयान देंगे जो कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा करने वाला होगा, तो कांग्रेस को ऐसे नेताओं के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। देश को जवाब तो कांग्रेस को देना है ना, वो तो अपना आराम से बैठे हुए विदेश में, लेकिन जिस तरह का उनका बयान है मेरे वरुण पुरोहित जी आपके पास आते हुए, क्या एक्शन की जरूरत नहीं है ऐसे नेताओं, क्यों इंडोर्स, मतलब मुश्किलें पैदा हो रही है ना इसके लिए कांग्रेस के लिए। कांग्रेस का कार्यकर्ता जगह जगह जाकर मेहनत करे, वो मंदिर में जाकर दर्शन करें, ये मंदिर को लेकर टिप्पणी करेंगे, ये पाकिस्तान को लेकर अगर वहां एक्शन होता है तो टिप्पणी करेंगे, फिर ये विरासत टैक्स की बात करेंगे, आदमी इतनी मुश्किल से कमाए उसको लेकर टिप्पणी करेंगे, और बीच चुनाव में आप ये लेकर आ गए, तो इसके लिए बीजेपी तो जिम्मेदार नहीं है ना, वो तो चाहेगी कि उसको मुद्दा मिले, और आप बैठे बिठाए मुद्दा दे रहे हैं वरुण पुरोहित जी। चित्रा जी आपकी सारी बातें सही हैं, सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया है उसका कांग्रेस ने किनारा भी कर लिया और उसको कोई एंडोर्स भी नहीं कर रहा, लेकिन अगर उनको तुरंत पिछली बार ही अपने पद से हटा दिया जाता जिस प्रकोष्ठ के वो अध्यक्ष हैं तो ये बात नहीं हो पाती। अब आप बात कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी तो करेगी, भारतीय जनता पार्टी तो आपको पता है 15-16 के अंदर भारत में पैदा होने पर भी शर्म आ रही थी, देवगौड़ा के पोते के साथ फोटो खिंचा रहे वो भाग गया तब भी इनको शर्म नहीं आ रही, इनकी आंखें नहीं खुल रही, इनका ऑस्ट्रेलिया में एक धनकर्ता यौन शोषण पकड़ा गया जब भी नहीं हो रही, मणिपुर की घटनाओं पे भी नहीं हो रही, आप विदुड़ी के बयानों पे नहीं हो रही, कितनी इनको शर्म नहीं आ रही उस पे, आंखें नहीं खुल रही, इनको गुस्सा भी नहीं आ रहा। जो आज तक मैंने फिर कहा सैम पित्रोदा का, मैंने कई बार आपको कहा जो टेक्नोक्रेट हुए फिल्म स्टार्स हुए इनको आप इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में डायरेक्ट उतारोगे, चाहे कांग्रेस उतारे चाहे भारतीय जनता पार्टी उतारे, उनसे आप कैसे राजनीतिक सूझबूझ या उसकी गहराई की आप अपेक्षा कर सकते हो। अब जब तक रगड़ाई करके आए या तो नीचे से आए, समाज सेवा करके आए, सुनील दत्त जी थे, शत्रुघ्न सिन्हा जी, किसी पार्टी के हो तो वो लोग आते हैं तो उनके बयानों में हल्कापन नहीं आता, और ये सारा पिछले 10 वर्ष में ही क्यों आ रहा है हल्कापन, क्योंकि जो इस दंगल का ब्रिग ब्रदर है उनके जो मोदी जी हैं, उनके जो बयान है मुसलमान घुसपैठिया किसानों को आतंकवादी बताना, तो जब आपका जो बिग ब्रदर दंगल का वो जो बयान लेगा तो नीचे तक उसकी परिपाटी चलने लग जाती है। अटल जी के टाइम तो नहीं हुई, इंदिरा जी के टाइम तो नहीं हुई, तो ये जो परिपाटी होती है जो दंगल का जो बॉस होता है जो चीफ पहलवान होता है उसके हिसाब से सारे नीचे के स्टूडेंट चलते हैं, वैसे पॉलिटिकल पार्टियां चल रही हैं। जैसे अब सैम पित्रोदा की बात चल रही है, पिछली बार भी यही बात हुई थी कि उन्होंने विरासत टैक्स पे क्या किया कांग्रेस के लिए मजबूरी, तो कांग्रेस अभी काले रंग की बात है, तो खड़गे जी, मैं तो नहीं कह रहा किसी को काला, खड़गे जी भी है, मीरा कुमार को बनाया, तो प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी का एग्जाम्पल दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, लेकिन वो देश देख रहा है इस बात। अभी ये आप ये अभी आशुतोष वर्मा जी ने बात सही कही, आपने देखा होगा पिछले फर्स्ट फेज के लो टर्न वोटर टर्नआउट लो हुआ, उसके बाद से बार बार इनके बयान बदल रहे हैं, कभी कहां कभी कहां कभी कहां, उसका कोई तुक नहीं बैठ रहा जनता के दिमाग में। हाँ। और जनता इस समय इतनी परेशान महंगाई बेरोजगारी से, और कुल मिला के पार्टी विद द डिफरेंस, नेता विद द डिफरेंस सब समाप्त हो गया, जनता सब नेताओं से परेशान हो गए। विशाल विशाल जी, इंपैक्ट ऑफ सैम पित्रोदा जो पॉलिटिक्स पे कह रहे हो, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स पे सैम पित्रोदा का कोई इंपैक्ट नहीं है, वोटों पे कोई इंपैक्ट नहीं है, गांव में सैम पित्रोदा को शहरों में कोई नहीं जानता है, इसलिए लेकिन कांग्रेस को एक्शन लेना चाहिए। तारीफ कर रहे सारे, आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। वो यूपी के चुनाव में मुझे अच्छे से याद है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने उनका परिचय दिया था कि ये इस जाति से आते हैं ये बताते हुए, और आप कहते हैं कि उनको कोई जानता ही नहीं, उनके बयानों का कोई फर्क नहीं पड़े, पहले तो तय कर लीजिए कि आप उस नेता के साथ खड़े हैं उसके खिलाफ खड़े हैं, लेकिन उनकी बातों पर जवाब दीजिए। विशाल मिश्रा जी, वो कह रहे हैं आप लोग कितना भी इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए चित्रा जी, सबसे पहली बात तो ये कि जो लोग भी कह रहे हैं कि उनके बयान से पल्ला झाड़ रहे हैं ये सरासर गलत है। जब वो ओवरसीज के चेयरमैन हैं तो जो विदेशों में रहने वाले भारतीय हैं उनको कांग्रेस और कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ने का काम किसका है, तो आप पल्ला कैसे झाड़ सकते हैं। लेकिन चित्रा जी, ये जो बात कही गई है इसके पीछे की जो राजनीतिक दिवालियापन है और जो बौद्धिक उद्दंडता है उसको समझने की आवश्यकता है। ये बयान महज एक संयोग नहीं है, आप जरा गौर करिए वो इस बयान के साथ वो और क्या कह रहे हैं। वो आइडिया ऑफ इंडिया में राम मंदिर की बात कर रहे हैं, वो रामनवमी की बात कर रहे हैं, मतलब जिस संस्कृति से हमारा अस्तित्व है उस पर सवाल किया जा रहा है कि उससे आइडिया ऑफ इंडिया जो है खतरे में पड़ रहा है। अरे मानवर, ये किस प्रकार की विकृत मानसिकता है। अब भारत मतलब जो जिस संस्कृति से हमारी पहचान है और सात समंदर दूर बैठकर आप राम मंदिर के जो है को बदनाम करने की बात कर रहे हैं कि वहां पर जाने से और ये होने से और मंदिर से और रामनवमी से आइडिया और पीएम के जाने से आइडिया ऑफ इंडिया को खतरा हो रहा है। अच्छा, तो इसके पीछे चित्रा जी आपको याद होगा कि कैसे सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जाने से रोका गया था। मानसिकता तो आप देखिए, ये आज की मानसिकता नहीं है, ये फूट डालो और राज करो की औपनिवेशिक मानसिकता है। इनको अपने इस विदेशी चश्मे को उतारना होगा। और चित्रा जी, बयान एक बार आए तो आए, अभी कुछ ही दिन पहले जब बजट आया था तो इनके सांसद वो डीके सुरेश का क्या बयान था,
दक्षिण भारत को लेकर क्या बयान दिया गया था, एक अलग राज्य बनाने की बात की गई थी, उपनिवेशवाद की जो ये मानसिकता है ना, इससे बाहर आने की बात है। आपको पहले भारत के बोध को समझना होगा, भारत के सूत्र को समझना होगा, भारतीयता के मंत्र को समझ लेना होगा। लेकिन आप तो नाम बदल चुके, नाम बदल लेने से क्यों क्या आप भारतीयता के मंत्र को जो है इग्नोर कर देंगे और आप बैठकर इस प्रकार की नस्लीय टिप्पणी करेंगे? क्या और नाम यही बदल नहीं चुके जी, किस प्रकार से बार बार डिवाइड एंड रूल की इनकी पॉलिसी है। नहीं, अब पहले जो पूरा नाम कहां लिख के आता है, वो जो पूरा नाम सत्यनारायण गंगाराम, अब तो क्यों सैम पित्रोदा लिख के आ रहा है ना, बताइए ना। पूछ के लिखे तो क्या इससे भारतीयता के मूल्यों को आप हटा देंगे? चित्रा जी नहीं, तो ये जानबूझ के बार बार बयान दिया जा रहा है, भारत आइडिया ऑफ इंडिया, भारत भारत लोकतंत्र की जननी है, क्या बात करते हैं आप? हाँ। हमारे वेदों में सभा समिति गण विदत परिषद हुआ करते थे, भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये मुद्दा बनेगा क्या चुनाव में, क्यों उठा रही है इतना भारतीय जनता पार्टी विशाल मिश्रा जी? मुद्दा ये सवाल है, बिल्कुल है मुद्दा चित्रा जी, मुद्दा बिल्कुल है चित्रा जी, मुद्दा ये मुद्दा बिल्कुल है। भारत को आप डिवाइड कर रहे हैं लोगों में, आप जो है आप पूर्व के लोग कैसे हैं, दक्षिण के लोग कैसे हैं, उत्तर के लोग कैसे हैं, पश्चिम के लोग कैसे हैं। हाँ। ये आइडिया ऑफ इंडिया खतरे में है, इन सब बातों को पूरा परिवेश में देखा जाना चाहिए चित्रा जी। मणिपुर जल रहा था तो इंडिया खतरे में नहीं था, समंदर पार बैठ के आप राम मंदिर को क्यों बदनाम कर रहे हैं? वही नहीं, वही राम मंदिर, आप भगवान राम को काल्पनिक, चित्रा जी कैसे पल्ला झाड़ सकते हैं? उन्हीं राम मंदिर को अदालत में काल्पनिक बताया जाता था, आज उसी राम मंदिर के लिए सात समंदर पार की जा रही है। बयान 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 मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? बयान कर ही रहते हैं, ज्यादा इतिहास में जाएंगे तो बहुत ठीक है, हमारे पास इतना नहीं है, अभी सैम पित्रोदा के बयान पर ही रहते हैं। कार्रवाई क्यों नहीं कर देती वरुण पुरोहित जी? सीधा सा सवाल है, आप उनको जवाब दे दीजिए, बोलिए कि हमें बीजेपी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़बोलापन दिखाया, उसके बाद उनके खिलाफ एक्शन हुआ, तो ये तो कांग्रेस पार्टी को भी करना होगा ना वरुण पुरोहित जी, या सिर्फ ये बताकर कि नहीं भैया उनका ये बयान है हम उससे सहमत नहीं है? बयान जारी कर देने से क्या होगा वरुण पुरोहित जी? उनकी तो आदत है एक के बाद एक इस तरह के बयान देंगे, और कांग्रेस के लिए तो मुश्किलें खड़ी करेंगे, समाजवादी पार्टी बाकी जो पार्टियां इंडिया के साथ खड़ी है गठबंधन के साथ, उनके लिए भी मुश्किलें वो पैदा करेंगे। कर दीजिए कार्रवाई। चित्रा जी मैंने दो बार कहा कि उनको अपने पद से तुरंत हटा देना चाहिए, तुरंत हटा देना चाहिए, ज्यादा एक्शन होता है, दूसरा ऐसा कोई बयान नहीं देता। अभी ये मानसिकता मानसिकता का नीतीश कुमार जी का बयान दिया, क्या नीतीश कुमार जी ने विधानसभा बयान दिया वो मानसिकता नहीं दिखी आपको? और फिर अपने साथ मिला विशाल जी उनको बोल लेने दीजिए, वरुण जी को बोल लेने दीजिए, सब लोग बोलेंगे साथ में, समझ नहीं आएगी। विशाल जी आप उनको बोलने तो दीजिए, विशाल जी प्लीज वरुण पुरोहित जी को सुन लेते हैं। भारतीयता का ठेका लेके आप ही को सारे वेदों का ज्ञान है, आप ही कुंडली जागृति, तो आप भारत की कुंडली जागृति हो गई, पूरे पार्टी की नहीं हुई है, पार्टी सब कुछ किलो अफ्रीका की दिखती है, नहीं आप ही की कुंडली जागृति है, आप ही को तत्व ज्ञान हो गया, आप ही सारे ज्ञाता हो हर चीज के चारों वेदों के, आप ही रावण से रिलेटेड हो रहे हो ना, मैं तो नहीं हो रहा, चले ठीक है, बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी।